नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा आठवीं विषय हिंदी और उलझन सुलझन वह क्या है, पहेली है, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। यहाँ कुछ पहेलियां दी गई। पहेलियों का मतलब क्या है? तो जीवन में मनोरंजन के कई उपकरण है, उपकरण यानी साधन है, तो उसमें यहाँ पहेली का उलझन एक कला है। पहेलियां से छात्रों के तर्क या विचार शक्ति का विकास होता है। यह पहेली के माध्यम में यहाँ उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए यहाँ प्रयत्न किया गया है। तो आज हम देखेंगे कि उलझन सुलझन यानी कि पहेलियां। तो नंबर एक, उसमें एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाना। यहाँ सुहाना तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझा जाता। तो यहाँ आप पहेली जी, तो फिर आप पहेली में गुजराती हो है ना, अर्थ है जे एक ही बराबर। तो यहाँ एक फूल काले रंग का, तो यहाँ काला रंग एक फूल जे सिर पर सदा सुहाना, એટલે કે માથા ઉપર હંમેશા એમ કે શોભે છે। તેજ ધૂપ એટલે કે ઘણો એમ કે તડકો છે, છતાં પણ वो खिलता है, એટલે કે ખીલે છે, છાયા મે મુરઝાય, એટલે કે છાયા એટલે કે જ્યાં છાયડો છે ત્યાં એમ કે મુરઝાઈ જાય છે, એટલે કે સંકોચાય જાય છે। તો આનો આપણે મીનિંગ શું થાય, એની પહેલી એમ કે શું આવે? તો અહીંયા કાળે રંગ આપણે જોયું, ફૂલ તો ઘણા બધા જોયા, પરંતુ કાળા રંગનું ફૂલ આપણે જોવા મળતો નથી। તો અહીંયા કાળે રંગ ફૂલ બતાવ્યા, તો કાળે રંગ, તો યહાં पछी अंत कटे तो लकड़ी घोड़ो मीरा नाम, तो
तो आमी रीतेम के एने पहेलियाने उजी आयो तो आपने आपने जवाब आसे आना आराम। आगे प्रश्न पांच, दो सखियों दोनों चंचल, कितनी सखिया है? दो, दो सखिया दोनों चंचल, फिर फाटक खुले, सो जाए तो सपने देखे, हंसी खुशी में दुख में रोए, यानी कि हंसू आवे त्यारे बने जोड़े पे स्मी करे स्माइल करे छे, जरे रुदन आवे त्यारे पण बने जोड़े होय छे, फाटक એટલે કે દરવાજો, એક સાથે ખોલે છે એક સાથે બંધ કરે છે। તો અહીંયા પહેલી ની અંદર શું આવશે મિત્રો? આંખ, તો હિન્દીમાં આંખે। आगे छे नंबर, दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर भवन नहीं, नौ है पर दस नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। तो यहाँ दादा है, क्या है? दादा है पर दादी नहीं, तो आपने एक नाम लिखवाना दादा। चलो आगे, भाई है पर भवन नहीं, तो आप भाई लिखिए, भाई भवन नहीं लिखना है। अभ्यास के अंदर पण आपी छे, अहींया नाम आपेला छे।
तो आपने એવા કેટલાય શબ્દો છે, આમ છે, બારિશ છે, હાથી છે, મોર છે, મોબાઈલ છે અને બાદર. આમાં એમ કે સાત એમ કે શબ્દો આપેલા છે, એની આપણે વિચારીને અહીંયા પહેલીઓ બનાવીશું. તો અહીંયા પેટ વિશે આપણે પહેલી બનાવીએ, એમાં કે છે પેટનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. જિંદા ઉપર ચલતા નહીં, ક્યાં કરતા હે પેટ, મેં જિંદા ઉપર મેં ચલતા નહીં હું, બિન મોસમ મેં ફરતા નહીં, मौसम के बिना मैं फलता नहीं, छाया सबको देता हो हिम्मत कुछ नहीं लेता, उसको हम कहते हैं पेड़. आगे देखिए आम, कहते हैं मुझको रसराज, कहते हैं मुझको रसराज, सभी फलों का मैं सतराज, कोई चूस चूस कर खाता है, कोई रस निकाल कर पीता है, बदला दो यदि मेरा नाम तो आम. आगे नंबर तीन है, उसमें है अंबर से धरती पर आती, रिमझिम रिमझिम गाती गाती, दाती मेरी सागर की भाव, बाप बाप बादल है मेरे माँ बाप. तो यहाँ एनो अर्थ था छे बारिश. आगे नंबर चार है, मुंह जैसे गणेश भगवान, पशुओं में सबसे भगवान, पशुओं में सबसे बलवान, पेड़ के पत्ते खाकर जीता, दस दस बाल्टी पानी पीता, बोलो यदि मेरा नाम. तो आपको पता है दस दस बाल्टी पानी कौन पीता है और गणेश जैसा दिखने वाला कौन है, तो हमें तुरंत ही आंसर मिल जाएगा कि हाथी. आगे देखेंगे मित्रों पांच के नंबर को, मोर. मोर की हमें दूसरी पहेली बतानी है, सरस्वती माता का वामन. मोर क्या है, कहते हैं सांप का मैं कट्टर दुश्मन, घटा देख कर पागल हो जाता, थिरक थिरक कर नाच उठता, उसके नाम बताए तो कौन है वह, मोर. आगे देखेंगे नंबर छह, मोबाइल. तो छोटी सी है मेरी काया, मगर बड़ी बातों की माया, बदलाइए खुद छुट्टी में, दुनिया कर दी मुट्ठी में, तो उस पहेली का नाम है मोबाइल. आगे देखेंगे लास्ट है बादल, तीन अक्षर का मेरा नाम, कितने अक्षर का, तीन, तीन अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाओ, अंत कटे यानी कि अंत कटे तो मैं बादल बाल बन जाओ, और मध्य कटे तो मैं बाल बन जाओ, इस तरह कर लो तुम सब मुझको याद, तो उसका नाम है बादल. यहाँ कुछ नेताएं के नाम दिए गए हैं, दिए गए चित्र में इन्हीं देशभक्तों की तस्वीरें उभरती है, खोजिए और लिखिए. यहाँ कितना देशभक्ति देश नौजवानों के नाम छे, तो यहाँ एक पेड़ आपे छे एना पर आपने के शोधवाना छे, तो ऊपर की दिशा तरफ से आपने लइए, तो पहला एक चश्मा वाला छे गांधी बापू छे, गांधी. दूसरा है सरदार पटेल. नंबर तीन जवाहरलाल नेहरू. नंबर चार लोकमान्य तिलक है, और पांचवे नंबर में सुभाष चंद्र बोस है, और छह नंबर में लाल बहादुर शास्त्री है. आगे सात नंबर में डॉक्टर राधाकृष्ण है, और आठ नंबर में भगत सिंह है. इस तरह चित्र के नाम हमें लिखने हैं, और आगे देखेंगे मित्रों कि कुछ चित्र दिए गए हैं. इसमें प्रश्न नंबर चार में इस चित्र में च से शुरू होने वाले कितनी चीजें हैं, यह चित्र लिंगर च नाम का उपयोग तो हो आएगा, चित्रों का नाम हमारे सोधी और आपका की हार माला हमने तुम्हारे लिखवाने छे. तो यह विद्यार्थी मित्रों तुम्हें घरे बैठी और यह चित्र आपेला छे, चित्र पर भी तुम्हें बता नाम सोधी और लखजो च पर दी छे कितना म पर दी वाण छे. तो यहाँ आ तुम्हारे अपने होमवर्क के अंदर आ नाम की सूची बनावानी छे, હિન્દીની નોટબુક ની અંદર આ સિવાય પણ કેટલીક એમની પહેલીઓ છે એ તમારે નોટની અંદર લખવાની છે.